एंड गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई चैनल। अभी आपने देखा 11 बज रहे हैं और मैंने जस्ट अभी अपना व्लॉग स्टार्ट किया है। हम लोगों का ब्रेकफास्ट हो गया है। ब्रेकफास्ट में आज मैंने बनाया था स्प्राउट्स और सैंडविच, तो वो हम लोगों ने खा लिया है। और मैंने अपने लिए थोड़ी सी चाय भी बनाई थी क्योंकि मेरा मन हो रहा था चाय पीने का। पीहू को थोड़ा स्प्राउट्स दिया और उनके डैडी स्प्राउट्स खाए, फिर हम लोगों ने सैंडविच भी खाया। और बस अभी मैं बैठी थी, पहले आने के बाद मतलब ब्रेकफास्ट करने के बाद मैंने पीहू को थोड़ी देर पढ़ाया, और पढ़ाने के बाद फिर मुझे कुछ वीडियोस बनाने थे तो वो मैं वीडियो शूट कर चुकी हूँ। और अभी बस मैं वीडियो शूट करने के बाद मैं बैठी थी, तो आप देख लेंगे वो वीडियो पहले ही मेरे चैनल पे। इसी टॉप में बनाया है तो आप समझ जाएंगे क्या था। और बताइए आप लोग कैसे हैं, क्या कर रहे हैं। अभी मुंबई का माहौल क्या है कि मतलब सब कुछ चालू हो चुका है, सब कुछ चल रहा है, लेकिन यही है आप अपनी तरफ से अपने आप को क्योर करें, अपने आप से अपने आप को सेफ करें, यही है। क्योंकि कब तक सब कुछ बंद रहेगा, कुछ हो नहीं रहा है, ठीक नहीं हो रहा है, इसी वजह से। तो बस अब सोशल डिस्टेंसिंग करके रखना है। आप अगर कुछ ख़रीदते हैं तो उसको अच्छे से सैनिटाइज़ करिए, और बाकी तो हैंड वॉश करते रहिए, लोगों के घर कम जाइए, अपने घर पर रहिए, बस और क्या, यही है। अभी तो कोरोना वायरस के साथ रहना सीखना पड़ेगा, सबने बोल दिया है, हमारे पीएम मोदी जी ने भी बोल दिया है, तो करना ही पड़ेगा। और अब मैं फिर से सोच रही हूँ आपके लिए एक डांस वाला वीडियो बनाने के लिए, तो नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी मैं शूट करूँगी आप लोगों के लिए। आपने मेरे पहले वाले डांस को बहुत ज़्यादा पसंद किया, बहुत अच्छे अच्छे कॉमेंट्स किए। अभी तक मुझे 150 से 200 कमेंट्स आ चुके हैं, जो कि सबने बहुत तारीफ़ करी। तो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मेरे डांस को इतना पसंद किया। बहुत जल्दी मैं दूसरा आपके लिए एक डांस लेकर के आने वाली हूँ। चलिए अभी मैं चेंज वेंज करती हूँ अपने इस ड्रेस को, अपने गेटअप को चेंज कर लेती हूँ, क्योंकि ये कपड़े पहन के मैं काम नहीं कर पाती हूँ। आजकल मुंबई में बहुत ज़्यादा गर्मी है। अब वैसे जून मिड तक बारिश यहाँ आ जाएगी, मिड या फिर 20-25 के बाद तो बारिश आ ही जाएगी। और हाँ, मेरा बर्थडे भी आने वाला है जून में, तो देखते हैं बर्थडे में क्या होता है, कैसे होता है। अभी तो कुछ ना तो एनिवर्सरी अच्छे से सेलिब्रेट, ना पीयू का बर्थडे, मतलब घर पे तो अच्छे से किया हमने, लेकिन जैसे हर साल हम लोग बाहर जाते थे, चाहे वो बर्थडे हो या एनिवर्सरी, हम लोग ने बहुत बाहर से अच्छे से सेलिब्रेट किया है। बट कोई बात नहीं, घर पे भी अच्छे से हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। अब आगे देखते हैं बर्थडे पे क्या होता है। फिर मेरे बर्थडे के बाद कुछ दिन स्टॉप लग जाएगा, मतलब हमारी एनिवर्सरी, पीयू के डैडी का बर्थडे, मेरा बर्थडे, पीयू का बर्थडे, सब हो जाएगा। तो फिर चार पाँच महीने क्यों, मतलब सब कुछ फिर स्टॉप हो जाएगा। फिर तो फेस्टिवल्स ही आ जाएंगे। अब तो फेस्टिवल चालू हो गए हैं, बड़मावस निकल गई है, अब तो एक के बाद एक फेस्टिवल्स आते ही रहेंगे। चलिए बहुत सारी बातें हो गई, अभी कर लेती हूँ चेंज वेंज अपना काम, फिर उसके बाद आपसे मिलती हूँ। अभी मैंने यहाँ पे वाटरमेलन कट किया है और पीहू के डैडी को दे दिया है, और मैं और पीहू अंदर जा रहे हैं बेडरूम में, वहीं बैठ करके खाएंगे। तो चलिए वाटरमेलन खा लेते हैं, अभी 11:15 का टाइम हो रहा है। अभी हम लोग फ्रूट्स खा रहे हैं, वाटरमेलन, और फॉर्क मिल नहीं रहा था, एक मिल गया तो मैंने पीहू को दे दिया, एक पता नहीं कहाँ है, मिल नहीं रहा। तो फ्रूट्स खा रहे हैं, फ्रूट बहुत अच्छा है, वाटरमेलन तो बहुत ही अच्छा है और हम सभी का फेवरेट फ्रूट है, तो हम लोग वाटरमेलन खाते हैं। तो
तो मैं अभी किचन में आ गई हूँ लंच की तैयारी करने के लिए। और आज लंच में मैं बनाने वाली हूँ भिंडी की सब्ज़ी, मसूर की दाल, रोटी, चावल, चटनी, सलाद। तो आज मैं यहाँ पे पहले प्याज फ्राई करके डाल रही हूँ। ऐसे तो कभी कभी मैं क्या करती हूँ, बस तेल गरम करके दोनों चीज़ एक साथ डाल देती हूँ, जिसमें भिंडी और प्याज एक साथ होता है। बट आज मैं पहले प्याज को फ्राई कर ले रही हूँ। और इधर मेरी दाल चढ़ी हुई है सीटी आने के लिए। मैंने मसूर की दाल पहले भिगो करके एक घंटे पहले रख दिया था, और जब मेरी प्याज ये भुन जाएगी तब मैं इसमें बची हुई भिंडी जो है वो भी डाल दूंगी। तो हमारे प्याज थोड़े फ्राई हो गए हैं। अब मैं इसमें भिंडी कटी हुई डाल दूंगी, और इसमें नमक, मिर्च, हल्दी, और थोड़ा सा, जब नमक हल्दी भुन जाएगा तब थोड़ा सा बेसन और चाट मसाला ऊपर से डाल दूंगी, जिससे कि बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। ये देखिए मैंने सब कुछ डाल के बना लिया है, और ये खुली ही मैं पका रही हूँ, ढक के नहीं पका रही हूँ भिंडी को। और ये भी मैं पूरी रेसिपी नहीं शेयर कर रही हूँ, बस थोड़ा सा आपको बस दिखा दे रही हूँ कि आज मैं लंच में क्या बना रही हूँ। कुछ स्पेशल नहीं है इसलिए पूरा डिटेल नहीं दिखा रही हूँ। इधर देखिए मेरी दाल जो है वो पक चुकी है, और इधर मेरे सैलेड भी कट गया है जिसमें थोड़ी सी मूली है और खीरा है। देखिए सब्जी भी बन गई है, मैंने आटा गूंथ के लगा दिया है। चलिए खाना खा लेते हैं, उसके बाद मिलती हूँ आपसे। वेलकम बैक। और बहुत गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। हम लोग अभी छत पे आए हैं थोड़ी देर वॉक करने के लिए। मैंने आपको दिखाया ना कैसी धूप आ रही है पहाड़ों पे, तो वो देख करके अच्छा लग रहा है, इसीलिए मैंने उसको रिकॉर्ड किया। और आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा पसीना पसीना है हम लोग। और ये ततैया जो यहाँ पे छत्ता लगा हुआ है ना, ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि कुछ तो उनको हुआ है, ये उड़ने लगी हैं। दिखाती हूँ मैं आपको बैक कैमरे से। ये देखिए कितनी ज़्यादा ये ततैया उड़ रही हैं। तो देखा फ्रेंड्स आपने कितनी ज़्यादा उड़ रही हैं ततैया। ये देखिए हनी बी, और इनसे डर ही लगता है कभी आकर के अचानक चिपक जाएं तो बहुत मुश्किल से छुड़ाने को होगा। और गर्मी बहुत तेज़ है, धूप भी बहुत तेज़ है। बस हमारे यहाँ पे ये टीन शेड है ना, तो थोड़ा सा सही रहता है। वॉक कर रहे हैं, साथ में फ़ोन पे बात भी करते जा रहे हैं। और हाँ, आज आपको मुझे एक ऐप के बारे में भी बताना है जहाँ पे बहुत अच्छी सेल चल रही है। तो मैंने सोचा जब मैं शॉपिंग कर रही हूँ, फ़ायदा उठा रही हूँ, तो आप लोग को भी उसका ज़रूर फ़ायदा उठाना चाहिए। तो चलिए पहले मैं आपको ऐप के बारे में बता देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको लाइम रोड पर आना है ऐप पर। तो यहाँ पर आपको अपना फेवरेट प्रोडक्ट चूज़ कर लेना है, और आप क्लेम कर सकते हैं उसको 50% ऑफ में या फिर पूरा फ्री में। तो आपको करना क्या है, अपना फेवरेट प्रोडक्ट जो है वो चूज़ करना है और अपने फ्रेंड्स को शेयर करना है। सबसे पहले आप कट द प्राइस पे आ जाइए और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर दीजिए, और अपने फेवरेट प्रोडक्ट को
कट द प्राइस के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक और ईमेल के थ्रू शेयर कर दीजिए। आपके दोस्त आपकी भेजी हुई लिंक के थ्रू जैसे ही ये साइट को डाउनलोड करेंगे, आपके प्रोडक्ट का प्राइस 50% से लेके 100% तक डिस्काउंट हो जाएगा और आप उसे फ्री में ऑर्डर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जल्दी कीजिए, ये सिर्फ 24 घंटे के लिए ही ऑफर है। शेयर की हुई लिंक के द्वारा आपके दोस्त लाइम रोड को डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने पहले ही ऐप को डाउनलोड कर रखा है। डाउनलोड करने पर आपके फ्रेंड को ये ऐप दिखाई देगी और कट द प्राइस पे क्लिक करने पर आपके फ्रेंड इस लाइन ऑनलाइन साइट पे अपना नंबर या फिर ईमेल आईडी के द्वारा लॉगिन कर सकते हैं। उनके लॉगिन करते ही आपके प्रोडक्ट का प्राइस 50% कट हो जाएगा, साथ ही आपके दोस्त को 50 रुपीज का कूपन तुरंत मिल जाएगा, जिससे आपके फ्रेंड लाइम रोड पे ऑप्शन बहुत सारे ड्रेसेस के हैं तो वहाँ पे 50 रुपीज के कूपन को यूज कर सकते हैं, है ना बेहतरीन। तो यहाँ पे हम लोगों की वॉक हो रही है और मैं एक दो लोगों से फ़ोन पे बात भी कर रही थी, तो वही है। और अभी मैं वॉक करके नीचे आ चुकी हूँ और आपको ऑफ़र कैसा लगा ज़रूर आप लोग भी लाइम रोड चेक करिए, बहुत अच्छे अच्छे ऑफ़र वहाँ पे चल रहे हैं। और आज मैंने बस ऐसे ही नॉर्मल सा खाना बना लिया था, क्योंकि रोज़ अच्छा अच्छा खाना बनाते हैं फिर भी कोई वैल्यू नहीं होती है, तो मैंने सोचा चलो आज दाल चावल रोटी सब्जी ही बनाते हैं, सादा खाना भी खाना ही चाहिए। तो पत्तियों को चाहे जितना भी कर लो, समझ में नहीं आती है अपनी वैल्यू, इसीलिए कभी कभी सादा खाना भी बना देना चाहिए। तो फ्रेंड्स, मैं ऊपर से आ गई हूँ और पीहू अभी नहीं आई है, वो डैडी के साथ आएगी। और आने के बाद सबसे पहले मैंने बहुत अच्छे से अपने हैंड वॉश किए हैं और मुंह वॉश किया, लेग वॉश किया। आप लोग भी बहुत केयरफुल रहिए, अच्छे से साबुन से हैंड वॉश करिए, सैनिटाइज करिए सब कुछ। और देखिए अभी हल्का हल्का उजाला आपको दिख रहा होगा, तो अभी पूरी तरह से अंधेरा नहीं हुआ है। चलिए, तो बस अभी मैं 5-10 मिनट बैठूंगी और फिर उसके बाद मैं नहाऊंगी। तो चलिए, तब तक मैं आपसे थोड़ी देर बातें कर लेती हूँ। और आप लोग बताइए, आप लोग छत पे जाते हैं वॉक करने या फिर अपनी सोसाइटी में वॉक करते हैं? वॉक करना भी बहुत ज़रूरी है, अगर आप कहीं नहीं जा पाते हैं ना तो आप अपने घर पर ही वॉक करिए। मैंने आपको अपने नाइट टाइम रूटीन में दिखाया था कि मैं अपने घर पर ही वॉक करती हूँ, तो हम लोग यहाँ पर ही वॉक कर लेते हैं। और आप लोग कैसे करते हैं कॉमेंट करिएगा। बस अब मैं नहाऊंगी, 7:30 बज रहे हैं, नहाऊंगी, उसके बाद फिर अपना डिनर तैयार करूंगी। डिनर ऑलमोस्ट मेरा तैयार है, बस मुझे रोटियां बनानी है गरम गरम, तो वही है करूंगी वो। और चलिए फिर, इसी के साथ ये ब्लॉग मैं यहीं फिनिश कर देती हूँ और मैं मिलती हूँ आपको अपने कल एक और अच्छे से इंटरेस्टिंग से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और जाने से पहले मेरे वीडियो को, ब्लॉग को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए मिलती हूँ कल, बाय बाय, गुड नाइट।